दोस्तों एक भाजी की दुकान मिल गई और बहुत परेशानी हो गई थी, भूख भी लग गई थी, तो हमने भाजी के यहाँ से बिस्किट और चाय बना रहे हैं भाजी हमारे लिए। चाय पी लेते हैं और कर लेते हैं थोड़ा सा आराम, पैर दर्द बहुत करने लगे गाइस, अभी बहुत टफ होने वाला है। अभी 1-1.5 घंटे का रास्ता और तय करना है हमने, उसके बाद केदारनाथ पहुँचेगी और केदारनाथ में भी बहुत भीड़ लगी कह रहे हैं, वहाँ भी आज दर्शन हो पाते कि नहीं हो पाते, तो हमें वहाँ भी टेंट लेना पड़ेगा और रात को वहीं रुकना पड़ेगा दोस्तों, और फिर कल सुबह मॉर्निंग में फिर हम वहाँ से दर्शन करेंगे। श्रद्धालु दर्शन करके आ रहे हैं और कुछ लोग हैं, देखिए यूट्यूबर भी हैं ऊपर से, ये देखिए कैसे कैसे लाना पड़ रहा लोगों को। अरे अपने सामने जाना सर भी, ये देखिए अभी 2 किलोमीटर हो रहे हैं यहाँ से और सामने की तरफ से और आगे भी जाना होगा, क्या पता रास्ता कभी ख़त्म नहीं हो रहा। अरे श्रद्धालु आ ही रहे हैं, देख रहे हो आप, ये देखिए दोस्तों श्रद्धालु आ ही रहे हैं, कोई दर्शन करके आ गया बाबा का, और कुछ लोग नीचे से जा रहे हो वो देखिए दोस्तों, एक रास्ता इधर से भी है, कुछ लोग यहाँ से जा रहे हैं, देखिए ये कुछ लोग यहाँ से जा रहे हैं, और सामने हेलीकॉप्टर भी जा रहा है सामने की तरफ, बिल्कुल सामने एकदम जस्ट, ये देखिए दोस्तों तो सामने की तरफ लग गए बादल, अब सर बारिश भी आ सकती है कोई पता नहीं। हम बर्फ़ के पास ठीक पहुंच चुके हैं और यहाँ पर श्रद्धालु सेल्फी भी ले रहे हैं और बर्फ़ में खेल रहे हैं, ये देखिए दोस्तों। और अब धूप का भी फिर दर्शन हो गया, काफ़ी देर से धूप का दर्शन नहीं होता, और नीचे भी ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों मज़ा ले रहे हैं। तो आगे श्रद्धालु आप देख ही रहे होंगे काफ़ी, और यहाँ पर बहुत चौड़ा रोड बना रखा है, फर्स्ट क्लास चौड़ा है, और अभी भी ऐसे 2 किलोमीटर है बस, रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा, इतनी चढ़ाई हालत बुरा हाल हो गया, हालत खराब होगी, ये देखिए दोस्तों ऊपर पहुँच गए हम। तो दोस्तों ये आ गया हेलीकॉप्टर और अपने स्थान पर यहाँ उतरेगा, ये देखिए दोस्तों केदारनाथ का ये हेलीपैड बना हुआ है पर, ये देखिए दोस्तों ये अभी आप बैठे, ये हेलीपैड चुके हैं, यहाँ से टोकन ले लेते हैं हम, एक बस कर 38 मिनट हो गया, काफ़ी थकान हो गया, काफ़ी घंटे लग गए आते आते, तब ले लेते हैं यहाँ से टोकन। तो दोस्तों हमने ले लिया है टोकन और हमें ज़रूरत नहीं पड़ी है रजिस्ट्रेशन का, उत्तराखंड के हैं तो इसलिए हमें ये मिल गया टोकन, तब जाते हैं मंदिर का दर्शन करते हैं। पहुँच गए हम केदारनाथ के बिल्कुल गेट पर, थोड़ा सा ये देखिए भीड़ कितनी लगी पड़ी, बहुत ज़्यादा भीड़ लगी है श्रद्धालुओं की, बहुत भीड़, और पास से दिखाता हूँ मैं आपको, जय हो, जय हो बाबा श्री अलग। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत खतरनाक लाइन लगी है, बहुत ही ज़्यादा, तो 3 बजे से बंद हो जाएगा, 1 घंटा भी नहीं बचा है, बहुत खतरनाक लाइन लगी नीचे से, तो देखिए नीचे जाना पड़ रहा है लाइन लगाने के लिए, हमें तो पता नहीं था, फिर वापस से बैग खोलना पड़ेगा, तो काफ़ी टाइम हो चुका है यहाँ पर, तो अब अभी रात देख रहे हो खतरनाक, बहुत भयंकर लाइन लगी है, और हमें तो पता ही नहीं था, ये देखिए कि यहाँ पर आना पड़ता है, कितनी लंबी लाइन लगी पड़ी, तो चल लेता मैं नीचे की तरफ। तो यहाँ पर बहुत खतरनाक लाइन लगी पड़ी है, बहुत लंबी लाइन लगी, कम से कम हज़ारों बंदे लाइन में खड़े हैं, और 3 बजे बंद हो जाएगा, 3 बजे के बाद 5 बजे फिर दर्शन होंगे, तो देखते हैं अभी कितना टाइम लगा, और पैरों में बहुत दर्द होने लगे, और रहने का भी यहाँ व्यवस्था कुछ नहीं है, और आप देख ही रहोगे मेरे पीछे कितनी बड़ी लाइन लग रही, बहुत ही ज़्यादा बड़ी लाइन लगी, और इधर पीछे से देखिए यहाँ तक लगे, धीरे धीरे करके और लोग भी बढ़ते जा रहे हैं आगे, तो मैं तो यहाँ पर बैठ गया, मेरे यहाँ पर लाइन है, अभी आगे दिखाते हैं दोस्तों आपको,
कितनी ज़्यादा भीड़ होंगे, कितनी खतरनाक लाइन है। अभी मैं और आगे आगे चलता हूँ, देखिए श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत ज़्यादा है। ऊपर से भी आ रहे, इधर से भी आ रहे। कितनी लंबी भीड़ लगी, बहुत ही ज़्यादा। अब तीन बजे तो बंद हो जाएगा। अभी भी लोग, कितनी भीड़ लगी थी श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत ही ज़्यादा है। कोई व्यवस्था नहीं है, अब बंद हो गया। ऊपर अपने ऊपर से गुजरे, अभी बंद हो गया। अब तो सुबह जैसे करते आप नहीं है श्रद्धालु की भीड़ देखी, कितनी खास काफ़ी भीड़ लगी, काफ़ी मात्रा में आप देख ही रहोगे। ये काफ़ी लंबी लाइन लगी, कई काफ़ी हज़ारों लोग हैं जो यहाँ पर अभी लाइन में लगे पड़े हैं। और आगे चलते हैं दोस्तों, सारा आगे नहीं है, आगे देखते हैं। ये देखिए काफ़ी भीड़ की लाइन में अपने अपनी कतार में खड़े हैं। ये देखिए आप, देखिए दोस्तों ये आप देख रहे होंगे कितनी श्रद्धालु हैं। अरे अभी 5 बजे फिर खुलेगा, अभी तो बंद होगा। और भाई दर्शन के लिए लाइन पे लगे हो? बिल्कुल। अच्छा अभी तो नंबर आने वाला नहीं 8 बजे तक, क्यों ये बंद हो गया 3 बजे? कितने बजे खुलेगा? अब 5 बजे। 5 बजे हाँ बंद हो गया। ऊपर इतने देखो दोस्तों कितनी भीड़ लगी है। देखो आपको कैमरे में फोटो दिखाता हूँ, ये बहुत ही लंबी लाइन, ये कतार में खड़े हैं लोग काफ़ी सारे। और इधर भी और आगे सब, और ये श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ से लाइन में, और काफ़ी थक भी गए श्रद्धालु यहाँ पर लाइन पे। ये हो गया, और आगे रख सकते आगे भी बैठे भी है काफ़ी लोग इधर। देखते हैं कब तक नंबर आता है इनका, काफ़ी लंबी लाइन लगी और नंबर का इंतज़ार कर रहे हैं सब, कब तक नंबर आता है एक बार देखते हैं। ये लंबी लंबी लाइन, अभी वो कुछ बैठे भी इधर अपने लाइन के इंतजार कर रहे हैं। बहुत लंबी लाइन लगी आगे तक, बहुत ही ज़्यादा लगी है। मंदिर के पास भी जाके दिखाते हैं जितनी लंबी लाइन लगी पड़ी है। तो आज हम देखते हैं 5 बजे खुलेगा तब करें। अरे देखिए न्यूज़ बना रहा है, वीडियो बना रहा है, वीडियो ठीक है। देखिए अब भाई ने यहाँ पर बंद कर रखा कि ताकि कोई आगे न लगे, इसलिए बंद कर रखा है। नहीं तो लोग घुस भी जा रहे हैं ना आगे। अभी मैं आगे भी दिखाता हूँ लाइन कितनी बड़ी लगी है। हाँ ये हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जोश भरा है श्रद्धालुओं में, इतना जोश है, काफी सारे जोश है। हर हर महादेव, कितना जोश है, फिर भी लाइन में लगे हैं। नंबर आए ना आए फिर भी लाइन में लगे पड़े हैं। तो अगर नंबर आ जाता है भीड़, हाँ जी भाई परेशान हो रहे हैं। ये देखो भाई भी लाइन में लगे, भाई नंबर आ जाएगा, नंबर आ जाएगा भाई। मुश्किल है आज, मुश्किल है, बंद हो गया। अभी भी लगे पड़े लाइन में। ये देखिए दोस्तों हर हर महादेव, हर हर महादेव। भैया चैनल का नाम बता दो भैया, उसको ले लो पर ब्लॉक में यार। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये भाई ने तो बंद कर रखा यार ताकि अंदर कोई ना घुसे, पर नंबर आ गया तब ना। ये देखो बहुत लंबी लाइन लगी पड़ी है पीछे तक, ये कैमरा कवर ही नहीं कर पा रहा हूं। ये देखिए
साहब भयंकर लाइन लगी पड़ी है। आज तो लगता है नंबर आना मुश्किल ही है। और यहाँ पर हमारा दबा दबा दब भाई भी हो गई है दोस्तों के चक्कर में बहुत हो रहा है। आगे जाने के लिए नाच रहे हैं और भीड़ लगी पड़ी है। ये देखिए बहुत ही खतरनाक भीड़ लगी पड़ी है और पीछे तो लड़ाई भी हो गई है लाइन के चक्कर में। लड़ाई के चक्कर में लड़ाई हो रही है और देखिए और भी काफी लड़ाई हो रही है। ये देखिए और यहाँ पर भाई ने बंद कर देखिए दोस्तों पूरी भीड़ है, हजारों लोगों की भीड़ है यहाँ पर। यहाँ से ये छह बजे से लगे कह रहे बता रहे हैं छह घंटे क्या कहना चाहते हो? कह रही हूँ अगर यहाँ कोई प्रशासन रहेगा तो हड़ताल पूरी लगी, सुबह से चाय भी नहीं मिली है यहाँ पे तो। और उत्तराखंड का कुछ नहीं, यहाँ पर बंद कर रखा सारा खाना पीना भी सब बंद है। उत्तराखंड खुले क्या नहीं, हड़ताल कर रखा कह रहे हैं। अरे अभी भी कह रहे 3 बजे बंद हो जाएगा, 5 बजे खुलेगा और 8 बजे तक करेंगे तो। और बहुत श्रद्धालु लगे नंबर आया जाएगा तो बहुत भीड़ लगी है पीछे तक। हमारी तो कल की टिकट है, इनकी कल की वापसी है तो चलो कोशिश कर लो अगर नंबर आ जाए तो। देखो बहुत भीड़ लग रही है पीछे से। पिक्चर भी तो बंद हो गए तो जाएंगे किससे? बिल्कुल हेलीकॉप्टर से जाओ। हेलीकॉप्टर के पैसे कौन देगा? पंडित जी देंगे इसके घोड़े खच्चर। अगर इसके पैसे हो हेलीकॉप्टर के पैसे आप पंडित जी से दिलवा दो तो हम हेलीकॉप्टर से चले आएंगे। सरकार को क्या कहना चाहते हो? सरकार को बस यही कहना चाहेंगे पुलिस प्रशासन को थोड़ा स्ट्रिक्ट करे जी, यहाँ पे बिल्कुल देखना नहीं चाहते जी। और जो आपका मार्ग है चढ़ाई वाला मार्ग है उसमें किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है सिवाय लाइट के अलावा। लोग लाइन में अंदर भी घुस रहे हैं और लाइन में अंदर भी घुस रहे हैं और उसके चक्कर में लड़ाई भी हो रही है। लड़ाई तो होगी जब नंबर नहीं आया तो। जी जी सबको जल्दी है, सबको घर जाना है, सबको घर जाना है। और आपकी टिकट कब की है भाई? कल की टिकट है जी। तो देख लो कर लो क्या कितने बजे की टिकट है कैसे होगा आप देखो वही बता पाएंगे। देखो हमने खुद टेंट लिया नीचे, हमने कल करेंगे तो टेंट भी नहीं मिल रहा। अगर टेंट दिलवा दे हम टेंट में रुक जाएंगे रात को। हाँ जी देखो कल लो इंतजार हो जाए तो भाई बहुत परेशान हो रहे। इनकी टिकट भी है कल, मैडम की भी टिकट है और आगे चलते हैं, आगे भी पता कर लेते हैं। आप लोग बंद है एक बार आ सकते हैं, काफ़ी लंबी लाइन लगी है। देख रहे होंगे कितनी भीड़ लगी है वहाँ से, बहुत लंबी लाइन लगी है वहाँ तक और आगे तक भी लगे हैं लाइन। दिखा देता एक बार में इतनी भयंकर भीड़ दोस्तों, बहुत भीड़ इधर भी लगी पड़ी है, लाइन खतरनाक लगी है। आज तो नंबर आने का नहीं है हमारा, बारिश की से संभावना है, बादल लग रहे हैं। और जब भी ये मंदिर बद्री केदारनाथ की अब देख रहे हो कितनी लंबी लाइन लोग बैठे हैं। हर हर महादेव जी देखिए दोस्तों बैठे हैं लाइन पे। दोनों तरफ बैठे हुए साधु भक्त जय करा बाबा।
भयंकर भीड़ लगी हुई है। चारों तरफ जहाँ भी कैमरा घुमाओगे तो आपको भीड़ भीड़ नजर आएगी। तो हम तो कह रहे हैं कल भी दर्शन होने, यहाँ दोस्तों यहाँ पर दर्शन होने में बहुत दुर्लभ हो गए। न यहाँ टेंट की व्यवस्था है, ना कुछ है, गर्म सारा बंद करा दिए। बताओ हम लोग इतने परेशानी में झेल रहे हैं और इतनी बड़ी लाइन लगी कि लाखों लोग वहाँ लाइन में लगे पड़े हैं। बताओ आप कैसे चलेगा काम, न यहाँ रहने की व्यवस्था, न खाने की व्यवस्था, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर बहुत बुरा हाल है। ये देखो मैंने हेलीकॉप्टर की भी बात करा था, अभी आपको कोहरा लग गया। हेलीकॉप्टर भी जा रहे हैं नीचे की तरफ, वो भी मना करने लगे। देखो आप मेरे पीछे देख रहे हो, कोहरा लग गया तो उसकी वजह से वो भी बंद हो गया। तो मेरे तो बहुत थकान हो गया, सोने का भी व्यवस्था नहीं यहाँ पर। अब कहाँ लेटी है, बहुत दिक्कत वाली बात होगी। 5 बजने वाले ही देखो, और कोहरा भी भयंकर लगा है, बहुत भीड़ लगी मंदिर के प्रांगण में। अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पर आरती होगी शुरू। ये देखो लोग और काफ़ी उधर भंडारा भी कर रहे थे, खाने की व्यवस्था कुछ है नहीं। ये देखिए दोस्तों बारिश होने लग गई। अब चलते हैं टेंट के अंदर, टेंट मिल गया सामने की तरफ और उधर चलते हैं। और बारिश अब लगभग होने लगी है तेज से, फटाफट टेंट के अंदर घुस लेते हैं दोस्तों। वो सामने की तरफ टेंट है, तो ये मिला टेंट। अब इसके अंदर घुसते हैं, पहले जूते रख लेते हैं, अब उसके बाद अंदर घुसते हैं। छोटा सा टेंट है, 3 आदमी।